बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गोगा मीडिया हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। रोहित गोदारा का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है और पोस्ट में उसने गोगा मेडी की हत्या की वजह भी बताई है। दोनों उस पोस्ट में क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए पोस्ट में हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथियों का एनकाउंटर कराया, मूसेवाला के संपर्क में थे गोगा मेडी हत्यारा और बलात्कारी था। ये वो हम आपको पोस्ट दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर ये डाला गया है रोहित गोदारा की तरफ से, और मूसेवाला के संपर्क में था गोगा मेडी को लेकर तमाम बातें यहां पर लिखी गई है कि गोगा मेडी की हत्या की जो वजह यहां पर बताई गई है कि हमारे साथियों का एनकाउंटर कराया, मूसेवाला के संपर्क में था गोगा मेडी हत्यारा था, बलात्कारी था। तो गैंगस्टर रोहित गोदारा की तरफ से पहले ही ये जिम्मेदारी ले ली गई है कि उसने ही ये हत्या कराई है और उसने लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का भी जिक्र किया। ऐसे में ये तमाम गैंगस्टर्स के नाम एक बार फिर सुर्खियों में हैं। रोहित गोदारा गैंगस्टर जो कि इस वक्त भारत से बाहर माना जाता है और लगातार भारत के लिए मोस्ट वांटेड भी है रोहित गोदारा, और उसने एक और पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। कल भी सोशल मीडिया के जरिए ही पोस्ट करके आपको बता दें कि उसने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। और देखिए गोगा मेडी हत्याकांड को लेकर जो पांच बड़े अपडेट्स हैं वो हम आपको एक एक करके बताते हैं, एक एक करके जो वजह है वो उनके बारे में बात हो रही है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले रोहित गोदारा ने एक और फेसबुक पोस्ट किया है जिसमें उसने गोगा मेडी की हत्या की वजह बताई है। उसकी पोस्ट से वो पांच बड़ी वजह आपको हम बता रहे हैं जिसकी वजह से गोदारा ने गोगा मेडी की हत्या करवाई है। गोगा मेडी हमारे दुश्मन सिद्धू मूसेवाला के टच में था, ये लिखा है गोदारा ने। साथ ही सोशल मीडिया पर लिखा है कि राजस्थान में पकड़े गए हमारे कई दोस्तों का एनकाउंटर भी गोगा मेडी ने करवाया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद हमारे खिलाफ उसने बयानबाजी की, ये भी रोहित गोदारा की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया है। और ये भी लिखा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात से मुकर गया, सुखदेव गोगा मेडी हत्यारा और बलात्कारी था। देखिए रोहित गोदारा ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है और उसमें तमाम ये बातें लिखी गई हैं, पांच अलग अलग वजह उसने बताई है कि आखिर जो हत्या यहां पर हुई उसके पीछे की वजह देने की कोशिश यहां पर रोहित गोदारा की तरफ से। और अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही नीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और नीरज गोगामेडी गांव में ही इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले अंकुर मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आपने बताया कि जयपुर से गोगामेडी की बात करें तो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि आप मानकर चलिए 6 से 6.5 घंटे का वक्त लगेगा। फिलहाल इस वक्त जयपुर में क्या स्थिति है और ओवरऑल राजस्थान की हम बात करें तो तनाव की स्थितियां लगातार देखने को मिल रही थी लेकिन 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। देखिए ये प्रशासन ने काफ़ी मुस्तैदी से इस पूरे मसले को देखा भी है और सुलझाने की कोशिश भी करी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल पूरा दिन तनाव में रहा, हालांकि किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ पैमाने पे जैसा कि एक्सपेक्ट हो रहा था, या किसी तरह की कोई हिंसा वायलेंस जैसा कोई सिनारियो हमने नहीं देखा ना जयपुर में ना कहीं और। थोड़ी जगह पर टायर जलाने जैसी या रास्ता रोकने जैसी चीज़ें हुई हैं विरोध प्रदर्शन के तौर पर, लेकिन उसको भी पुलिस ने और प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। तनाव ज़रूर था। कल शाम तक मैं उस हॉस्पिटल के बाहर था जहां पे मेट्रो मास्क के बाहर, क्योंकि मेट्रो मास्क से डेड बॉडी को रखा गया था, और बाहर जो प्रदर्शन था वो बड़े पैमाने पे चल रहा था। समाज से जुड़े हुए तमाम विधायक या तमाम नेता जो थे वो वहां आ भी रहे थे और यूथ बड़े पैमाने पे वहां आ रहा था, नारेबाजी हो रही थी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ हो रही थी क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर सिक्योरिटी दे दी जाती तो शायद ये दिन नहीं आता। लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद और उनकी मांगे मानने के बाद जैसा बोला जा रहा है, अब परिवार कल शाम को इस बात के लिए रेडी हुआ कि इनका अंतिम संस्कार करा दिया जाएगा। हनुमानगढ़ जो जिला है वहां पे गोगा मेडी नाम का गांव है जहां जो पैतृक गांव माना जाता है सुखदेव सिंह का, और वहीं पर शव जो है अभी फिलहाल उसको पार्थिव देह को यहां से ले जाया गया है जयपुर में। सुबह 8:10 पर उनको SMS जो हॉस्पिटल है सवाई मानसिंह जो हॉस्पिटल है वहां से डेड बॉडी को राजपूत सभा जो भवन है वहां लाया गया अंतिम दर्शन के लिए। 10-15 मिनट लोगों ने अंतिम दर्शन किया और उसके बाद फिर उनको क्योंकि लंबा सफर तय करना है, बिल्कुल और अंदाजा लग रहा है शाम के 3 या 4 बज जाएंगे। जरा हनुमानगढ़ जिले का भी रुक कर लेते हैं, गोगा मोड़ी में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ नीरज गौड़ है। नीरज गोगा मोड़ी की अगर बात करें, पैतृक गाँव है ये सुखदेव सिंह का, ऐसे में वहां पर किस तरह के हालात किस तरह की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है? देखिए मैं आपको बताऊं कि इस वक्त यहाँ पर जो जो कि तैयारियाँ हैं यहाँ पर अंतिम संस्कार की, वो यहाँ पर उसकी जो 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 कि तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। ठीक सामने आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये खुला ग्राउंड है जिसको कि समतल करने का काम अभी यहाँ पर किया गया है,
और यहाँ पर टेंट लगाए जा रहे हैं और इसी के साथ में हजारों की तादाद में यहाँ पर लोगों के पहुँचने की उम्मीद है। उसको लेकर के पुलिस भी भारी संख्या में यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है गोगा मेड़ी गांव जो है बिल्कुल हरियाणा से सटा हुआ है, हनुमानगढ़ जिला है और उसी के अंदर ही हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही ये गोगा मेड़ी गांव आता है। और ठीक सामने आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टेंट लगाने का भी काम यहाँ पर किया जा रहा है और गांव के तमाम जो युवक हैं जो कि उनको चाहते थे, जिनके साथ में हमेशा जो कि सुखदेव सिंह है वो रहते थे, वो सब लोग यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो गए हैं। और इसी के साथ ये बताया जा रहा है कि करीब 2 बजे के आसपास यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुंचेगा, उसके बाद में फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। जी आप नजर बना के रखिएगा। नीरज बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अंकुर आपका भी धन्यवाद। जी।